ये बिल्कुल नाइंसाफी है। आप गर्ल स्टूडेंट्स के साथ सौतेला बर्ताव करते हैं। आपको रवि के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। लूंगा लूंगा, आप चिल्ला क्यों रही हैं? ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, कहीं मेरे अटैक को हार्ट ना आ जाए। हार्ट को अटैक सर? हाँ वही वही सर, उसने अपनी भोली सूरत और मीठी बातों से आपको बेवकूफ बनाया है। आए? आपकी सादगी का फायदा उठाया है। सही कहा तुमने, लेकिन अब वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकेगा। कैच, कम हियर सैमी। आज मेरी जिंदगी का सबसे लकी डे है। तुम जाओ मेरी डायरी लेकर जाओ। गुड बॉय। आज मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, नाम है कोमल। स्वीट नाम है ना सैम? मुझ पर जान देने वाली लड़कियां तो बहुत सी मिली, लेकिन किसी पर जान देने को दिल चाहे ये तो पहली बार हो रहा है। अरे मैं सीरियस हूं यार। क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, क्या चाल है। फूलों से ज्यादा नाजुक और कलियों से ज्यादा कोमल। She's fantastic, Sammy. She's fantastic. अरे? Oh, Daddy. रवि, I'm sorry. आज हम पहली बार अपना वादा पूरा नहीं कर सके। हम तुम्हारे लिए वो कार नहीं ला सके बेटे। Oh no, Daddy. दरअसल वो कार तुम्हारे लिए बेकार हो चुकी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं रवि। हमने लंदन ऑर्डर प्लेस कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर उसी मॉडल की ब्रांड न्यू कार तुम तक पहुंच जाएगी। इन द मीन टाइम ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। सैमी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि डैडी और मेरे बीच में मत आया करो। वाओ, स्विट्जरलैंड डायमंड वॉच कंपनी ने सिर्फ 3 सैंपल बनाए, उसमें से एक पीस आया हिंदुस्तान में, और वो भी किसके लिए? सिर्फ हमारे बेटे के लिए। वाओ डैडी, डैडी आपका जवाब नहीं, आप A1 डैडी हैं। जवाब तो तुम्हारा भी नहीं है मेरे हमदम मेरे दोस्त, और तुम भी A1 डैडी के A1 बेटे हो। शाबाश, मान गए आपको डैडी। आपके तोहफे हमेशा लाजवाब होते हैं। ये तोहफा नहीं है मेरी जान, रिश्वत है। रिश्वत? रिश्वत? वही जो एक बाप कुछ पाने की लालच में अक्सर अपने बेटे को देता रहता है। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? चलो बैठ जाओ बेटे। इस घर में चूड़ियों की झनकार सुने एक जमाना बीत गया। ये घर औरत के बगैर बिल्कुल सुना लगता है। तुम्हारा भी कॉलेज का आखिरी साल है, और हमें चाहिए एक सुंदर सी, प्यारी सी, खूबसूरत बहू चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन डैडी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोशिश जारी है और रिजल्ट जल्द ही निकलने की उम्मीद है। श्योर? 100%। गुड बॉय। बड़े साहब, कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया है। प्रिंसिपल साहब का फोन हमारे लिए? नहीं डैड, मेरे लिए। वो क्या है कि कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मेरे बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते। मैं जरा देखता हूँ क्या बात है। अरे अब फोन ले लिया। सैम छोड़ो, सैम भैया फोन छोड़ो। देखो सैम भैया, हमसे पंगा मत लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हम क्या लक्ष्मी, सैमी को मत छेड़ा करो, वरना 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, और वो भी पेट में। गुड बॉय सैमी, गुड बॉय सैमी। हेलो कुमार साहब, मैं नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, फरमाइए जी। मुझे रवि के बारे में आपसे बात करनी थी। रवि के बारे में? रवि के बारे में क्या बात करनी? जी ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती है, इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप कॉलेज पे आ जाएं, या फिर मैं आपके घर चला आऊं। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके पास हाजिर होता हूँ। ठीक 10:30 बजे। ये क्या रवि बाबू, फोन तो बड़े साहब के लिए था, और आपने तो बड़े साहब की आवाज में बात कर ली। अबे मैंने तो सिर्फ बड़े साहब की आवाज में बात की। हाँ? तुम्हें तो कल बड़े साहब बनकर मेरे साथ कॉलेज जाना होगा। अच्छा। यस। मैं कम इन सर? कम इन। सर, ये मेरे पिता। किधर गए? सर आइए ना, बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? अंडा? रवि,
तुमने अपने प्रिंसिपल को बताया नहीं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ? मैं अंडा वंडा नहीं खाता। अंडा? मैंने ठंडा कहा था, अंडा नहीं। हाँ हाँ, वही वही वही, मैं भी अंडा ही कह रहा हूँ। मैं अंडे की बात कर रहा हूँ, ठंडे की बात कर रहा था, अंडे की बात नहीं। मैं संडे को भी अंडे नहीं खाता। डैडी रिलैक्स। वो क्या है सर? वो क्या है कि मेरे पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। आप खाने पीने की बात छोड़िए और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जी वो मैंने आपको मैंने आपको रवि के बारे में बात करने के लिए बुलाया। वो लड़की लड़की आप अपनी लड़की की शादी रवि से करना चाहते हैं? आपने अपनी औकात देखी है? क्या तनख्वाह आपकी? आप जितना कमाते हैं उतने के बिस्कुट तो हमारे घर के कुत्ते खा जाते हैं। मैं कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं रवि की शिकायत कर रहा हूँ। शिकायत? रिलैक्स। रवि की चाहत क्या चाहता है ये? इसकी चाहत की औकात क्या है? जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे आप? अगर इसने मेरी चाहत को नहीं माना तो मैं इस लुच्चे को, लफंगे को। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, जवान बेटी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? चुप रहिए। अरे जवान डैडी रुकिए, अब बीच में बताइए आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। पिताजी को यहाँ से ले जा। लेकिन सर, मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा जो होने वाला वो होगा, यहीं से ले जाओ यहाँ से। चलिए चलिए डैडी, चल तू घर, चल तू आ तो सही घर में। प्लीज डैडी चलिए। क्यों छोटे बाबू, कैसी एक्टिंग की हमने? तू इतना अच्छा एक्टर है ये मुझे आज ही पता चला। बिल्कुल A1 एक्टिंग की तूने। छोटे बाबू तब तो इनाम भी हमें A1 मिलना चाहिए। अरे A1 क्या, हम तुम्हें A to Z इनाम देंगे। अच्छा, जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी छोटे बाबू जल्दी।